भाजपा के निष्ठावान नेता नरेंद्र कुमार बैरागी ने भाजपा के 5 साल के कार्यकाल को सतयुग का रामराज का नाम देते हुए बताया कि जिस तरह से पिछले 5 वर्ष में गरीब मजदूर कमेरे वर्ग किसान व्यापारी छोटे दुकानदार से लेकर रेड़ी वाले तक में इस बात की चर्चा है कि अगर सत्ता में कार्य का आंकलन किया जाए तो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में विकास की जो छड़ी लगी है उसकी चर्चा हर हरियाणावासी की जुबान पर है। जो सरकार ने किया है, जो सरकार ने सबको बताया है कि 5 साल से मनोहर लाल खट्टर जी ने जो शुद्ध कार्य किए हैं, मेरिट के आधार पर बच्चों को सिलेक्शन दिया, गरीबों को, दुकानदारों को, मतलब सारे वर्ग को एक इस तरीके से विकास किया है कि किसी को अछूता नहीं छोड़ा। आपको लगता है 36 बिरादरी का समर्थन आपको मिलेगा? हाँ, 100% जी, 36 बिरादरी का समर्थन मिलेगा बीजेपी को, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नरेंद्र कुमार बैरागी ने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव में बीजेपी 75 पार कर सभी पार्टियों को ठिकाने लगाने का काम करेगी। सभी विपक्षी दलों को 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे। जिस तरीके से सरकार ने काम किए बच्चों को रोजगार को लेकर के, चाहे किसी भी वर्ग का है, मेरिट के आधार पर फेयर सिलेक्शन किया और लगता ऐसा है कि 75 पार तो है ही है और शायद ऊपर वाले की कृपा रही, जिस तरीके से लोग अभियान चला रहे हैं बीजेपी का, सही काम जो किया है वो 75 की जगह पे 85 भी हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री और भाजपा अध्यक्ष की नीतियों को घर घर पहुंचाने के लिए सफीदों में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन कर कल से मैंने अपने पैतृक गाँव पाजू कला से सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार विधिवत शुरुआत कर दी है। समस्त सफीदों हलके के गांव का दौरा किया जाएगा और सफीदों में औद्योगिक कारखाने लगाए जाएंगे जिससे रोजगार की समस्या का समाधान होगा। हमने अपना यहां बीजेपी का एक अपना दफ्तर खोला और हम कल से गांव-गांव जाकर के अपना ये बताएंगे बीजेपी ने, जो बीजेपी सरकार है, जो माननीय अपने मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, क्या कुछ किया उसके बारे में। जो गांव-गांव जो हमारी गाड़ियां एक रथ जा रहा है बीजेपी का, वो सबको बताया जा रहा है कि वास्तव में बीजेपी सरकार एक बहुत अच्छी सरकार है। हमारे सफेदों में एक जो बेरोजगारी, बच्चे जो युवा हैं बेरोजगार नहीं मिल रहा है, एक इंडस्ट्रीज एरिया का होना यहाँ अति आवश्यक, वो बहुत ज़रूरी है और शिक्षा के मामले में भी बहुत जरूरी। इस मौके पर पवन सरपंच, पूर्व सरपंच पवन मान, दलबीर जागलान, रमेश सजाना, सुल्तान खेड़ा खेमावती, चैन सिंह बैरागी, जसमेर मलिक नंबरदार, सुभाष बहादुरगढ़, चंद्र हंस दामिनी, राम सिंह खेड़ा खेमावती, बलहारा रोजला, लक्ष्मी अमरावती खेड़ा, हवा सिंह पांचाल आदि मौजूद रहे। कंचन टीवी के लिए कैमरामैन धर्मवीर पाल के साथ पंकज शर्मा, सफीदों।